ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अपनी 10 सूत्रीय लंबित मांगों के चलते बहुत दिनों से आंदोलित है एवं अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। निर्वाचन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के उन कर्मचारियों को जो वोट प्रभावित करते हैं उन लोगों को निर्वाचन में नहीं लगाते हैं। इससे स्पष्ट है कि उन लोगों से डरकर उन लोगों की मांगों को सरकार जल्दी पूरा करती है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की मांग लगातार कई वर्षों से सर्वेयर के समान वेतनमान अर्थात 2800 रुपए की ग्रेड पे दिए जाने की मांग लगातार करते आ रहे हैं। सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। इससे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पुनः ज्ञापन देकर सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत करा रहे हैं। वहीं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को स्थायी यात्रा भत्ता रोज का दौरा संपन्न करने हेतु दिया जाता है जो मात्र 300 रुपए है, जो साइकिल के रखरखाव के मान से दिया जाता है। वर्तमान कार्यभार बड़ा है, उसमें द्रुत गति से चलने वाले वाहनों का उपयोग समय की मांग है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को मोटरसाइकिल उपयोग करना पड़ रही है और अब उनका व्यय भार भी बहुत बढ़ गया है और उसके एवज में मात्र 300 रुपए मिलता है। उनकी अपेक्षा है कि उन्हें 3000 रुपए प्रति माह पेट्रोल वाहन के रखरखाव हेतु दिया जाए। नवनियुक्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को 70, 80 या 90% के स्थान पर पूर्ण वेतन दिया जाए। नियुक्ति दिनांक से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को स्नातक वेतनमान दिया जाए, समय पर प्रमोशन दिया जाए, रुके हुए प्रमोशन को तत्काल प्रक्रिया में लाया जाए, रिक्त पदों पर जल्दी से जल्द ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की भर्ती की जाए। उज्जैन जिले के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अध्यक्ष लाल सिंह पंड्या मनोहर गिरी ने उक्त जानकारियां ज्ञापन के दौरान दी। उज्जैन जिले की निम्न तहसीलों से ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे। वो मांगे मुख्य तो ये है कि हमसे ही अलग हुए प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे ही पद के लोगों को 2800 का वेतनमान दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो वेतनमान नहीं मिला है, तो हम उसकी मांग कर रहे हैं ग्रेड पे हमारी 2800 करने की। दूसरी 10 सूत्री मांगे और भी है, जिसमें करीब 50 साल पहले 300 रुपये से हमको FTA मिलता था, समय के अनुकूल अब साइकिल अलाउंस की कोई आवश्यकता नहीं है, 3000 रुपये हम उसकी मांग कर रहे हैं भ्रमण भत्ते की। तीसरी जो मांग हमारी ये है कि हमारे जो BSC AG नौकरी में रहते हुए जिन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने किया है, उनने अनुमति लेके किया है, लेकिन शासन उनको नए उच्च वेतनमान नहीं दे रही है। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि उनको समय रहते नया वेतनमान मिले। होशंगाबाद अधिवेशन में माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के समक्ष हमारे माननीय मंत्री जी कमल जी पटेल के द्वारा मंच पर ही घोषणा की थी कि मैं आज से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के सामने से ग्रामीण शब्द हटाकर कृषि विस्तार अधिकारी करने की घोषणा करता हूं। विगत 2 वर्ष हो गए परंतु अभी तक शासन ने ग्रामीण शब्द विलोपित नहीं किया। हमने पूरे प्रदेश स्तर पर यह भी मांग रखी है कि ग्रामीण शब्द तत्काल हटाया जाए और कृषि विस्तार अधिकारी नाम रखा जाए।